उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जनपद के जगदीशपुर स्थित मुबारकपुर में जन विश्वास रैली का समापन सीएम योगी करेंगे। इसी के साथ वहां पर आयोजित की जाने वाली विशाल जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अमेठी की, किस तरह से सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एक बड़ा सा स्टेज लगाया गया है जहां से सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि तमाम बड़े आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद दिखे और सुरक्षा और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया गया। सीतापुर के सेवता विधानसभा इलाके में अटल चौक का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभा को संबोधित भी किया और साथ ही सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा वाले कहते हैं ठोको ताल लाल टोपी मेरी पहचान। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बच्चा जानता है कि लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। आप लोगों ने 15 साल से अत्याचार और गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी नियुक्तियों में हेरफेर की। अब 5 सालों से शांति से प्रदेश चल रहा है और हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। सपा का इत्र अब दुर्गंध देने लगा है, कन्नौज का इत्र खुशबू दे रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह की। सीतापुर पहुंचे थे, अटल चौक का उद्घाटन उन्होंने किया, साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सालों से अत्याचार आपने देखा, ट्रांसफर उद्योग, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, नियुक्तियों में हेरफेर। 5 साल से शांति से राज चल रहा, न दुंगा है, न गुंडागर्दी है, न ट्रांसफर उद्योग है, न भ्रष्टाचार। एक शांति से चल रहा और हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं चाहते, आप जिन्ना को लाते हैं, किसी को लाते हैं, कुछ करते हैं। इत्र सपा का तो दुर्गंध देने लगा और कन्नौज का इत्र खुशबू दे रहा है। जो सपा के इत्र हैं, जो भ्रष्टाचार से था दौलत कमाए हुए हैं लोग हैं, अभी क्या इनके यहाँ कहीं छापा मार दो। फरुखाबाद में लोधी समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए नव भारत सभा भवन में लोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनपाल सिंह। पूर्व मंत्री ने लोधी समाज को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का उनसे आह्वान किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लोधी समाज को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के लिए लोधी सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, फरुखाबाद में ये लोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पर बढ़ चढ़कर लोधी समाज के लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। हमारा समाज जिसको लोधी समाज के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से अधिकांश उसके मतदाता बीजेपी समर्थक हैं। अब वो ये समझ चुके हैं, इसलिए हम जगह जगह अपनी पार्टी की उपलब्धियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो नीतियां हैं किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, व्यापारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, उनको बताते हुए हम अपने समाज से यह अनुरोध कर रहे हैं जिले जिलों में जाके कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े। उत्तराखंड के लक्सर में सैनी समाज के लोगों ने सावित्री बाई फूले की जयंती के अवसर पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को 12 बजे पहुंचना था, लेकिन मुख्य अतिथि 3:50 तक नहीं पहुंचे और ऐसे में कार्यक्रम में आए सभी लोग परेशान हो गए और वापस लौटने लगे। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया गया। ऐसे में सैनी समाज ने भीड़ जुटाने के लिए इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार सर्व समाज के नाम से किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में मंच पर केवल सैनी समाज के लोगों को ही जगह दी गई। सैनी समाज ने इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। कार्यक्रम के दौरान सैनी समाज के लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपने लिए पार्टी से टिकट की दावेदारी भी की। भाजपा ही झूठ की पोल खोलने की थी, भाजपा ही ढोल की पोल खोल यात्रा रैली थी और बहुत
मायावती जैसे सब टिकट की मांग कर रहे हैं, चाहे वो सैनी समाज हो या ऐसे समाज हो, हम समन्वय करेंगे तो टिकट के लिए क्या हम अधिकांश समाजों को जो है प्रतिनिधित्व देंगे, जिनको वहाँ नहीं दे पाएंगे उनको सरकार में पद दे करके नवाजेंगे। अच्छा सर एक सवाल हो, लास्ट सवाल, जो हमारे दिनेश गुर्जियाल जी हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट से जो है ट्वीट कर रहे हैं कि अब की बार प्रमोद खारी इलेक्शन में, मुझे क्या मतलब ये उन्हीं से पूछा था। उत्तराखंड के लालकुआ में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल के दावेदारों ने अब अपना अपना प्रचार प्रसार और ज्यादा तेज कर दिया है। इन्हीं सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान ने हजारों समर्थकों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि समर्थकों ने पार्टी आलाकमान को एहसास दिलाया कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां और ज्यादा तेज हो चुकी हैं, जिसकी शुरुआत बीजेपी से दावेदारी कर रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत पवन चौहान के समर्थकों ने नगर में जबरदस्त रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन कर दिखा दिया। भारतीय पार्टी को चुनाव जीतना, भारतीय पार्टी की सरकार बनानी है, भारतीय पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है। और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे को भारतीय पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए इतना समर्थन हिंदू खत्ता लालकुआ ही से था। अगर चोरगलिया गोलापार बेरवली रोड भी मिल जाए तो क्या होगा, सड़कों पर सैलाब आ जाएगा। अब आज थोड़ी तैयार बच्चे हमारे युवा साथी कह रहे थे कि ये 2-3 घंटे की हमारी तैयारी थी, और 2-3 घंटों की तैयारी बाद 1,500 व्यक्ति मजाक। 2022 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और तमाम पार्टियों के नेताओं की चुनावी सरगर्मियां और तेज होने लगी हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा की तो पिछली 4 बार से वहां पर विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन रविंद्र पनियाल बसपा प्रत्याशी ने कहा है कि प्रणव सिंह को इस बार हरा कर वो विधायक बनेंगे, क्योंकि प्रणव सिंह ने पिछले 20 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ क्षेत्र की जनता को ठगने का ही काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उत्तराखंड के लोगों का मन बीजेपी और कांग्रेस से उब चुका है और इस बार खानपुर विधानसभा में हाथी ही दौड़ेगा। खटका के जन समर्थन से पहले तो मुझे आप लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है, जो समर्थन आपका कम है कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये सब जो सम्मानित मेरे मतदातागण है, मैं दुमनपुरी से चला गया हूँ, सुबह से पहले साउथ सिविल लाइन में गया था तो वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन आ दिया, इधर ही हमने प्रोग्राम ले लिया। मगर चलो कूड़ी भगवानपुर में प्रोग्राम था, नंदा कॉलोनी में प्रोग्राम था, तो मेरा तो ये समर्थन का जो ये है जन समर्थन, इसका तो इतनी उम्मीद मुझे तो थी नहीं, क्योंकि चुनाव में भी 4 लड़ लिया और चुनाव 4 लड़ने के बाद आदमी को ये तजर्बा हो जाता कि ये मतदाता आपको किस एंगल से बात कर रहा, या आपको मतदान करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा को तो अब ये लग रहा कि जो कैंडिडेट चुनाव में आने वाले हैं उनकी लड़ाई खाम खा की है, टिकट मांगने की यहाँ कुछ है ही नहीं उनका। फरुखाबाद में 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने आए सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा बसपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि शहर के ठंडी सड़क स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये तीनों पार्टियां हमेशा यही कहती हैं कि वैश्य समाज तो बीजेपी को वोट देती है, तो क्यों ना वैश्य समाज छाती ठोक कर बीजेपी को ही वोट दे। विधानसभा चुनाव में बुआ और बबुआ कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस देश ने जो अंगड़ाई ली उसका बदलाव पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, भारत की अर्थव्यवस्था भी $5 ट्रिलियन की हो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में और प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। फरुखाबाद में रविवार को बीजेपी के जिला कार्यालय आवास विकास में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं
पदाधिकारियों में चुनावी ऊर्जा का संचार किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और लगातार प्रयास भी कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्द ही महिलाओं को न्याय भी दिया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है ये उनके कहने का विषय नहीं है। विषय इस समय जो है वो जनता के है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं जनता में कोई भी व्यक्ति और विशेष तौर पर बहनों के चेहरे पर जो आत्मसंतोष का भाव है, जो सम्मानजनक स्थिति है, वो अपने आप में स्वयं इन सब चीज़ों का उत्तर है। और समाजवादी पार्टी कम से कम सूख बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसमें 72 छेद हैं। समाजवादी पार्टी के समय पर महिलाओं के क्या हाल था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, बेटियों के साथ किस तरीके का वातावरण था, ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी क्या कह रही है ये उनके कहने का विषय नहीं है। विषय इस समय जो है वो जनता के है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं जनता में कोई भी व्यक्ति और विशेष तौर पर बहनों के चेहरे पर जो आत्मसंतोष का भाव है, जो सम्मानजनक स्थिति है, वो अपने आप। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन सपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां मंच से सामने बैठे लोगों को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दो कोमों वाली सोच जिन्ना की थी, जिसका दर्द हम लोग आज झेल रहे हैं। अब वही हिंदू मुस्लिम वाली सोच बीजेपी की योगी सरकार की हो गई है। हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लोग नए नए कानून ला रहे हैं, कभी लव जिहाद ले आते हैं, शहरों के नाम बदलने का काम किया जा रहा है। इसीलिए साथियों, वक्त आ गया है कि जंगल राज खत्म होना चाहिए। आपको कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया कि ये इसका मान कर रहे हैं अदालतों का, ये जेल में नहीं रख सकते जब तक अदालतें नहीं चाहेंगी, जब तक अदालतें फैसले नहीं देंगी। इस वजह संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? योगी जी ने अभी कहा है ये कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, ये दिवाली पे लाइट की बात करते हैं, ये लव जिहाद लेके आ गए। हापुड़ में समाजवादी पार्टी और रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के ऑफिस पर यह बैठक चल रही थी, जिसके बाद हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की टोपी को फेंक दिया और हाथापाई का ये वीडियो भी अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरें और वीडियो किस तरह से सपा कार्यकर्ताओं में ये हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पूरा मामला किसी ने वहां पर कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद अभी पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने पूरे संगठनों को लगा दिया है। सभी संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर विधानसभा में परचम लहराने का निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में पार्टी के निर्देश के अनुसार भाज यूमो द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन चंदौली जनपद के सकल डीहा विधानसभा के बसारिकपुर स्थित एक निजी लाइन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी रहे। ऐसे में आपको बता दें विशिष्ट अतिथि भाज के मंत्री देवेंद्र भाई पटेल भी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने सरकार के कार्य का उल्लेख करते हुए उपस्थित जनता को किए गए कार्यों का गौरव बताया और वहीं सपा पर जमकर निशाना भी साधा। वही उत्तर प्रदेश है जहां पर मंदिर की बाउंड्री गिरवा दी जाती थी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां राम भक्तों पर गोलियां अंधाधुन चलवा करके उनके प्राणों को ले लिया जाता था। आज 1000 से ज्यादा इस चंदौली में भी दर्जनों की संख्या में बन रहे होंगे, 1000 से ज्यादा की संख्या में ऐसे अपने सांस्कृतिक पहचान के केंद्र, आध्यात्मिक पहचान के केंद्र मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है।
बलरामपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए हिमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के दूसरे मुकदमे के एसआईटी ने अब दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें एसआईटी ने दोनों आरोपियों की पहचान जारी कर वीडियो फुटेज और फोटोज के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपी तिकुनिया पलिया के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऐसे में एसआईटी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। तिकुनिया कांड में बीजेपी सपासद सुमित जायसवाल ने तिकुनिया थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब दो और गिरफ्तारियां पूरे मामले में हो गई हैं। कानपुर में डॉक्टर जैसे पवित्र पेशे को कुछ लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दरअसल नशेड़ियों स्मैकियों का बिना जांच करे और बिना लाइसेंस खून खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि मात्र 500 रुपए में खराब खून खरीद कर हजारों में उसको बेचा जा रहा है। हालांकि खुफिया कैमरे में इंसानियत को शर्मसार करने वाला है ये रक्त पिशाचों की इस सारी करतूत को कैद कर लिया गया। दरअसल सीएल मेमोरियम हॉस्पिटल में कई सालों से ये काम चल रहा है। ऐसे में गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर हर हफ्ते में दो बार तक गरीब का खून निकाला जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के साथ ही 5 अन्य स्टाफ के लोग भी इस धंधे में शामिल हैं। आपको बता दें कि फजलगंज थाना अंतर्गत स्थित ये सीएल मेमोरियम हॉस्पिटल है, जहां का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने मेरठ रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रिकल शॉप में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 एलईडी, 1 इंडक्शन कुकर, 2 चाकू, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चोरी में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। दरअसल 16 नवंबर की रात को मेरठ रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में 5 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर 15-16 नवंबर की रात्रि चोरी की घटना हुई थी। थानापुर देहात एवं एसओजी की टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण किया गया, जिसमें चोरी में शामिल 5 में से 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इनके मौके से चोरी की गई 6 एलईडी, 1 इंडक्शन कुकर व चोरी की घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं अवैध असलाह बरामद किया गया है। एक अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। चंबल के बीहड़ में किसान पर एक तेंदुए ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद वहीं इस पूरे हमले के बाद चीख पुकार सुनकर वहां के आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए, लाठी डंडों से तेंदुए को पीटा, जिसके बाद किसान को वहां से बचाया गया, जिसके बाद घायल किसान को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि गंभीर हालत में आगरा के लिए किसान को रेफर कर दिया। ऐसे में तेंदुए को जंगल में खदेड़ते हुए ग्रामीणों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना बासौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव हरलालपुरा चंबल बीहड़ का ये पूरा मामला है। तो वीडियो आप भी देख सकते हैं, तस्वीरें किस तरह से तेंदुआ वहां पर मौजूद है जंगल में और उसे ग्रामीणों ने वहां से खदेड़ा। दरअसल एक किसान पर इस तेंदुए ने हमला बोल दिया था। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक घर से शौच करने के लिए निकला था और गांव से कुछ ही दूर पर एक गड्ढे में उसका शव पड़ा हुआ मिला। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद से ही गांव में सनसनी फैल गई है, साथ ही परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मृतक युवक का एक लड़का और एक लड़की है। ऐसे में सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली करनैलगंज के कोचा कासिमपुर की पूरी घटना बताई जा रही है।